अंदर बिठा ला लगातार पै रही भारी बरसात ने जिथे लोगों नू गर्मी तो राहत दवाई है उथे ही यह कई लोगों के लिए आफत बनती भी नजर आ रही है। दस दिए कि अचानक ही नदी का बहा बदन के नाल सत्त लोग एक टापू के उत्ते फस गए ने ते इन्हां नू जेसीबी की मदद के नाल रेस्क्यू करन दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं ने। तां दस दिए कि अचानक ही मारकंडा नदी का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ वध जांदा है ते सत्त लोग इस दे विच फस जांदे ने। मौके दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं ने जिस साफ देखा जा सकदा है कि टापू के उत्ते कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे हैं ते दूजे पासे प्रशासन दीआं कई टीमां दे वल्लों इन्हां नू रेस्क्यू करन की कोशिश की जा रही है ते अंत दे विच एक जेसीबी की मदद के नाल इन्हां नू सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तो यह तस्वीर नाहन तो सामने आई ने जिथे कि मारकंडा नदी का पानी अचानक ही वध गया। जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि इन्हां लोगों नू कुछ जमीन इत्थे अलाट हुई सी ते जिस तो बाद इत्थे ही रह रहे सी ते स्थानक लोगों के वलों सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जदों पता है कि अचानक ही मारकंडा नदी का थोड़े जिहे मीह दे नाल ही पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा वध जांदा है तो इन्हां लोगों नू इत्थे जमीन दित्ती ही क्यों गई है। तो लोगों के वलों वड्डे सवाल उठाए जा रहे हैं पर एक बार कहा जा रहा है कि सारिया के ही हथ पैर जो सी वो फुलन लग गए सी क्योंकि सत्त लोग पानी के तेज बहाव दे विच फस गए सी अते 13 घंटिया तक चले इस ऑपरेशन दे विच सत्त लोगों नू सुरक्षित बाहर कढ लिया गया। पानी आया था 12 बजे 20-25 पशु है 7-8 बंदे से फसल हुए जी जी जब जाके फिर फोन किया मैंने फिर जेब से लेके आए उन्होंने बाहर निकाले जी रात की बारिश से यही है मिली थी कि 7 आदमी जो है इसमें फंसे हुए हैं दरिया के बीच में और उसके बाद हम हरकत में आए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे पहुँच गया है और हमने रेणुका फोन किया जहाँ पे SDRF की टीम थी वो भी रास्ते में थी और यहाँ पे एक इंडस्ट्री है वहाँ से हाइड्रा मंगवाई थी क्योंकि इसको क्रॉस करना मुश्किल था लेकिन हाइड्रा से पहले ये लोकल JCB वाले ने ही इसको रेस्क्यू कर दिया। तीन चार बच्चे थे छोटे और तीन बड़े बुजुर्ग और अभी इनके पशु वगैरह बाहर हैं पारी जिनको के जैसे पारी कम होगा तो ये निकल आएंगे। इनको हमने पूछा है कि शिफ्ट करने की जरूरत तो नहीं किसी कहीं रिहैबिलिटेट करने की इनके अपने घर है पुराने घरों में चले गए। तो ऐसा तो हमेशा ही हम पेपर में भी देखते हैं SDRF की तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमने बोला नदी नालों के साथ ना रहे लेकिन लोग जो है वो फंस गए और एकदम से बारिश आ गई। बारिश भी पिछले पूरी रात से लगी है और अभी भी अगले 12 घंटे या 14 घंटे तक लगातार बारिश का है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि जो भी नदी नालों के पास लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को शिफ्ट कर दे यहाँ पे ना रहे। सर और जान सो आपके डिवीजन में हाँ वाहन में जो अम्बरपुर मोहल्ला है वहाँ पे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है वहाँ पानी घुसा है तो उसके लिए भी हमने वहाँ पे पंप पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं और जो भी फौरी रात देनी थी वो दे दी है। फर्नीचर वगैरह खराब हुआ है तो ऐसा भी बनेगा इस पर जिस रहेगा कोई ऐसा इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात की जाएगी कि ये थोड़ा खतरे की ही बात है तो बिल्कुल और जगह रिहैबिलिटेट करें या किसी दूसरी जगह जो है इनको जो है वो बेचारों को गुजर भाइयों को जो जमीन दी गई है वो या तो बिना सर्वे के दी गई है और या फिर सर्वे करने वाले जो थे उन्होंने आंखें बंद करके सर्वे करके बोल दिया गया कि जमीनें जो है समतल है और जैसा कि आप दृश्य देख सकते हैं यहाँ पर ये इस भूमि पर इस वक्त जो पानी का बहाव है बहुत तेज है। आम आदमी इसको प्रूफ नहीं कर सकता तो JCB की मदद से यहाँ पर लोगों की जानें बचाई गई हैं और हमारी प्रशासन से यही गुहार रहेगी हमेशा यही पहले भी हमने रखी है हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जब इन लोगों को आप जमीनें दे रहे हो कम से कम इनको ऐसी जगह पर जमीनें दी जाए जहाँ पर भूमि समतल हो ऐसी जगह पर जमीनें ना दी जाए इनकी जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और क्या बोलते हैं कि अगर अगली जगह पे आप जा रहे हो इनको यहाँ से शिफ्ट करोगे तो हमारी गुहार रही ही रहेगी आपसे कि इन्हें समतल भूमि पर भी जो जमीनें हैं वो अलॉट करी जाएं और इन्हें जमीनें दी जाएं इनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। हिमाचल वैसे बहुत नुकसान झेल चुका है हमारी उम्मीदें यही हैं कि हिमाचल और नुकसान ना झेले। हमारे को यहाँ कब्जा किया सरकार ने 1 साल पहले हमारा कटा था जी जी
तो 20 रुपए इनको कब्जा दिया, उससे हमने छप्पर बनाया, अपना घर बनाया यहाँ पर। तो इस टाइम ये पानी आ गया, उनको बहुत खतरा हुआ। मैं जो है इसका बंदा पीछे डंगा लगने से पानी का, तो कल से फंसे हुए। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? इससे जंगलों में रहते थे। अब हमारा घर कहीं नहीं है, घर हमारा यही अब यहीं से रोना चाहिए। और कहाँ हमारे लोग, कहाँ कोई जरिया नहीं हमारे पास, हम छोटे बच्चे हमारे पास। कितने लोग फंसे हुए थे? छोटे बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी फंसे हुए, बड़े पशु पाल फंसे हुए, पाले वहीं छिपे भी है, नेस भी है, दो चार छिपे पाए। जैसे यहाँ पे बारिश कल रात से काफी तेज हो रही थी, तो सुबह जब इधर लोग आए घूमने के लिए तो देखा कि नदी का बहाव बहुत तेज था और कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, यहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। तो गाँव वालों ने देखा कि भाई बच्चे यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, कि जो गुजर समुदाय के लोगों को यहाँ पे जो जगह दी गई थी ये बीच नदी के बीच में इनको अलॉट की गई है, जहाँ पे कोई भी इनके रहने के लिए उचित जगह नहीं है। चारों तरफ से नदी में पानी आता है, जब भी बरसात आती है, आपके सामने हाल आप देख सकते हैं कितना पानी है। अभी तो पानी बहुत हद तक कम हो गया है, अगर सुबह आप 4-5 बजे पानी देखते तो पानी पूरा आर पार हो रखा था। क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन को इनको कहीं एक अच्छी जगह देख कर वहाँ पर इनको जमीन अलॉट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर बरसात में पहले हिमाचल में इतनी त्रासदी हो रही है, क्यों अपने ही लोगों की जान आपदा के हवाले की जाए, नदी नालों के किनारे से इनको निकाल के किए अच्छी जगह पर इनको बसाया जाए। हमारे तो प्रशासन से यही एक डिमांड है और यही एक हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो इस लोगों को यहाँ से निकाल के अच्छी जगह से।